दिस इज़ सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्रीज मिस्ट्री। सो गाइज, मैंने इसके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बेसिक्स पे दो लेक्चर ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं और वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। बेसिक्स है बिल्कुल केमिस्ट्री के, बिल्कुल ज़्यादा बेसिक के बहुत अच्छे थे केमिस्ट्री, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्टेट टूल वगैरह, बेसिक बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड किस सिंबल होता है एलिमेंट वगैरह से। तो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे, अब हम देखते हैं। डिफरेंट होती है तो इसमें एक पहला टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूट में, इसमें एक ही बताता हूँ मैं। इसमें क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी वही बेसिकली यही होता है कि सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है पर लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। तो आइसोमर्स आर दोस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ठीक है। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स वही बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो जो आइसोमर्स की, अब इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं हम पहला कंपाउंड लेते हैं अपना एसीटोन। एसीटोन ये होता है हमारा, एसीटोन हमारा कंपाउंड ये वाला होता है, इसे एसीटोन कहते हैं, इसे हम एसीटोन कहते हैं। और इसका ये कॉमन नेम है, इसका जो आईयूपीएसी नेम है, प्रोपेनोन, और हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 COCH, और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? प्रोपाइलीन ऑक्साइड। क्या है? प्रोपाइलीन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या इनको आइसोमर्स भी कह सकते हैं। आइसोमर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं आगे कुछ का टॉपिक इतना ले नहीं रहा, तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे CH3 इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर। इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर। और क्या है ये? क्या है हमारा दूसरा देते हैं CH2OH। ये क्या है हमारा? इथेनॉल। ये क्या है हमारा? इथेनॉल। तो क्या हो गया? प्रोपेनॉन और प्रोपाइलिन ऑक्साइड जो हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इसमें कितने हैं? CH3 तीन और तीन छः हैं, हाइड्रोजन है, और छः हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक ऑक्सीजन और तीन कार्बन, ठीक है। तीन कार्बन यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कितने हैं? तीन दो कार्बन है और तीन छः हाइड्रोजन है, ठीक है। तीन और तीन छः और एक ऑक्सीजन, ऐसे यहाँ पे दो कार्बन है, छः हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने पढ़ लिया, हमने स्ट्रक्चर बना लिए। अब जो हम फॉर्मूला कंपाउंड्स लेते हैं अपने, कंपाउंड को भी लेते हैं, अब इनको हम इस फॉर्म में लिखते कैसे हैं? एक होता है डॉट स्ट्रक्चर में लिखना, डॉट स्ट्रक्चर में बनाना, एक होता है डैश फॉर्मूले में लिखना, तीसरा होता है कंडेंस्ड फॉर्मूले में, और फोर्थ है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। तो फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा डॉट स्ट्रक्चर, तो मैं ही पे लेता हूँ। डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपाउंड लूँ,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस में। तो इसका जो ये है इसको डॉट स्ट्रक्चर में बनाना है। तो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 बॉन्ड है पार्टिसिपेट पे। तो ये हो गया हमारे डॉट स्ट्रक्चर बनाना। डैश फॉर्मूले में लिखने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से। और कंडेंस फॉर्मूले के लिए हमें कोई दूसरा कंपाउंड लेना पड़ेगा। कंडेंस फॉर्मूले क्या होता है, जैसे CH3CH2OH। तो ये हो गया कंडेंस फॉर्मूले में लिखना, ठीक है। और फोर्थ होता है हमारा बॉन्ड लाइन्स में। बॉन्ड लाइन में कैसे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ये एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा प्रोपेनॉल, ये क्या है प्रोपेनॉल, ये क्या था इथेनॉल, ये हमारी ऑक्सीजन गैस इन डैश फॉर्मूले में, और ये इन डॉट स्ट्रक्चर में। ये भी ऑक्सीजन गैस ही है लेकिन ये डॉट स्ट्रक्चर में। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। डैश फॉर्मूले में क्या होता है, ये करते हैं बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। कंडेंस फॉर्मूले में जब बॉन्ड नहीं दिखाते केवल उनको इस फॉर्म में ले जाते हैं, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में केवल इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारे हम कंपाउंड्स को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने देखे हैं कंपाउंड्स देखे उसमें क्या होता है, सब में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर ये पेन है, मैं दिखाऊँ पेन, तो एक कार्बन अगर इसके कोने यहाँ पे टिप पर होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, तो ये जो बॉन्ड है ये ऐसे करके गोल गोल घूम सकता है, ये स्पिन कर सकता है मतलब ऐसे करके, ठीक है। बट अगर ऐसे ही अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो ये नहीं घूम सकता, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल है, ठीक है। और बीच में हमारा सिग्मा बॉन्ड जुड़ा, बीच में हमारा इसमें बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये करके कुछ, ठीक है। और इसके ये है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मुझे इस बॉन्ड को अगर ऐसे करके रोटेट कराना है, इस बॉन्ड को अब समझो कि जैसे ये है हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक तरह से सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर इमेजिन करो इसके ऊपर यहाँ पे पाई बॉन्ड लगा हुआ है, पाई बॉन्ड का एक ओवरलैप है यहाँ पे, इसमें पाई बॉन्ड का एक ओवरलैप यहाँ पे नीचे है, और ऐसे इस प्लेन के जो नीचे है नीचे होगा, इस प्लेन के नीचे होगा यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ से, इस प्लेन के डाउन नॉर्मल डायरेक्शन में। तो अगर इस बॉन्ड को मुझे रोटेट कराना होगा, अगर ऐसे रोटेट कराना है, तो बिना बॉन्ड टूटे हुए जो ऊपर पाई बॉन्ड है, बिना टूटे हुए ये रोटेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें जो रोटेशन होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें पॉसिबल होता है रोटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ देखी हमने अब तक, तो ये सब अभी तक है। तो अब तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े, हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े, कंपाउंड को फॉर्म करना, कंपाउंड को एक्सप्रेस करना, वो किसमें देखा, 2D स्ट्रक्चर में। अब हम किसमें देखेंगे, 3D स्ट्रक्चर में। तो क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड हमारा जो एटम है, अगर वो हम जैसे अगर वो प्लेन के पीछे है, प्लेन के नीचे सॉरी अगर वो प्लेन के नीचे है तो हम उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। बिहाइंड द प्लेन है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड अगर प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन, अगर वो बिहाइंड द प्लेन ऐसे होगा, ऐसे होगा, अगर वो प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन होगा तो हमको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और जो लाइज ऑन द प्लेन होगा, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या होता है, अगर कभी भी डबल बॉन्ड होता है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री का, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। सो गाइज, आज का टॉपिक ख़त्म। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन इफ यू थिंक इट इज़ गुड, देन लाइक एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।